सर, ये जो माइक्रो और स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की हमारी MSME की डेफिनेशंस हैं, ये एज इट इज ना तो इनकम टैक्स वाले में कोई ऑनर होती है, ना ही एज इट इज एक्साइज डिपार्टमेंट में ऑनर होती हैं। होता क्या है कि एक्साइज डिपार्टमेंट अपने हिसाब से अलग एक लिमिट सेट करता है, 1 करोड़ रुपए के टर्नओवर तक एक्साइज नहीं लगना है। वो ये नहीं कहते कि माइक्रो इंडस्ट्रीज को नहीं लगना है या स्मॉल इंडस्ट्रीज को नहीं लगना है। ऐसे ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो लिमिट्स बनाई जाती हैं वो अलग तरह से बनाई जाती हैं कि छोटे और मझोले उद्योग जिनका कि 8 लाख रुपए तक यही का वजह थी कि जो प्रॉफिट मैंने है टर्नओवर का मुद्दा रेज किया उनको था। 8% 5% की दर पे भर सकते हैं, सरल फॉर्म यूज कर सकते हैं। तो जो ये डेफिनेशन बनाई गई हैं इनको एक्चुअली पूरी तरह से पुश नहीं कर पाए हैं हम शायद अक्रॉस दी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज टू ऑनर देम एग्जैक्टली व्हाट हैज बीन प्रेस्क्राइब्ड बाय MSME मिनिस्ट्री। दिनेश जी, आप जो कह रहे हैं वो मेरे हिसाब से काफी ठीक है, जी क्योंकि हमारा फोकस अभी तक बहुत ज्यादा इस पर रहा है कि विसावी बैंक्स कि क्रेडिट फ्लो जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जी और उसमें कितना फैसिलिटेट किया जाए। जी लेकिन वी हैव टेकन अप विद फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑल्सो, बिकॉज यू आर एब्सोल्युटली राइट, इन डिफरेंट एक्ट्स डिफरेंट पैरामीटर्स आर प्रेजेंटली बीइंग यूज्ड जी एंड दे हैव टू बी हार्मोनाइज्ड। जी आई एग्री विद दैट। क्योंकि सिमिलरली सर लेबर अगर मिनिस्ट्री अगर में जब टैक्स की ही बात होती है तो टैक्स के लिए सर आपने अभी कहा कि 1.5 करोड़ तक का एक अलग क्राइटेरिया, वहां पर वो टर्नओवर के का क्राइटेरिया आ जाता है, लेकिन जब डेफिनेशन की बात होती है तो वो वहां पर अलग हो जाता है। तो हर डिपार्टमेंट हर जगह वो अलग अलग क्यों? कुछ इसको क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म तैयार हो सकता है कि इसको एक यूनिफॉर्म कोड में लाया जा सके ताकि हर जगह इनको बराबरी तोला जाए? वी आर इन अ वेरी डिफिकल्ट एरिया नाउ बिकॉज रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर डिफरेंट। ही वुड लाइक टू फोकस कि इस इंडस्ट्रीज में कितना टर्नओवर आ रहा है, कितना प्रॉफिट आ रहा है। बैंक्स वुड लाइक टू सी हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज टू बी मेड। एवरी मिनिस्ट्री में हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स एंड डिफरेंट पैरामीटर्स, बट आई वुड लाइक टू अश्योर यू दैट एवरी मिनिस्ट्री अल्टीमेटली लुक्स एट इट लाइक दिस, दैट वेदर आई एम प्रोटेक्टिंग द स्मॉलर एंटरप्रेन्योर्स और नॉट। दैट इज अ यूनिफॉर्म थॉट। हाउ एवरी मिनिस्ट्री इज इम्प्लीमेंटिंग इट मे डिफर। देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सर्टन अमाउंट ऑफ हार्मोनाइजेशन, बट प्रोबेबली 100% हार्मोनाइजेशन वुड नॉट बी पॉसिबल पॉसिबल और इवन रीजनेबल और रीजनेबल, बिकॉज 100% हार्मोनाइजेशन में एक्चुअली हर्ट द इंडस्ट्री इन सम केसेस। ओके, अब एक इंडस्ट्री वाला सवाल लेते हैं हमारे। प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन। सर, आई एम रोहित मेहता। आई एम द प्रेजिडेंट ऑफ द सदर्न गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एट सूरत इन गुजरात। Sir, I would like to take your comment on harmonization a bit further. First of all, I would like to make a very important statement that we respect the efforts of the government. The government's efforts are definitely in the right direction, that the government is definitely looking forward to the interests of the MSMEs, but to what extent is what we need to see. Harmonization ki sir aap baat karte hain, एक प्रॉब्लम हमेशा से हम फेस करते हैं एज अ इंडस्ट्री कि एमएसएमई डिपार्टमेंट एक कुछ पॉलिसी डिक्लेयर करती है, वो पॉलिसी को अगर फॉलो करने की बात आती है तो देर इज़ अ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन फ्रॉम द फाइनेंस डिपार्टमेंट, बिकॉज दे हैव एज यू सेड दे हैव देयर ओन गोल्स, दे हैव देयर ओन अंडरस्टैंडिंग। तो इन दोनों की बातों में और फिर तीसरी कोई इंडस्ट्री आ जाती है, तीसरी कोई मिनिस्ट्री आ जाती है, तो अल्टीमेटली जो इंटरप्रिटेशन जो होता है उसमें एमएसएमईज को भुगतना पड़ता है। आई थिंक द मिनिस्ट्री और द गवर्नमेंट शुड कम टू वन वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन कि ऐसे कभी भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियंस अगर दो इंडस्ट्री में आते हैं तो इनवेरिएबली द डिसीजन शुड बी टेकन इन द फेवर ऑफ एमएसएमईज। ये एक बात अगर आ जाती है तो एक बॉटम लाइन आ जाती है कि भाई इससे एमएसएमई को फायदा किस बात में होने वाला है, वो उसका इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। ये आपकी जो बात है उस आई हैव मेनी मोर पॉइंट्स, बट सर इफ यू कैन कमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग फर्स्ट। आई थिंक वी आर गोइंग अराउंड द सेम पॉइंट ओवर एंड ओवर अगेन। ओके, व्हाट आई हैव सेड एंड आई एग्री एंटायरली विद व्हाट यू सेड। गवर्नमेंट में चाहे वो एमएसएमई हो चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, एक ही ऑब्जेक्टिव है कि जो भी छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको कितना प्रोटेक्ट करा जाए, कितना उनको बेनिफिट दिया जाए।
हर चीज में सोचे कि अगर इंडस्ट्री ओनर का ही साइड हो तो आई डोंट थिंक कि वो जस्टिफाई है। बट आप ही की बात को मैं थोड़ा सा आगे ले जाना चाहता हूँ। सर, एमएसएमई एक्ट बनाया गया, एमएसएमई एक्ट के जो प्रोविजंस वो इतने शानदार है कि अगर उसको ढंग से प्रैक्टिकली टॉप टू बॉटम इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो जो आपने अभी हमारे रैंक बताया 42nd रैंक है, वो कहीं ना कहीं 5-10 रैंक तो नीचे हम ऊपर आ ही जाएंगे। उसमें आपको लगता है थोड़ा बहुत उसके जो इम्प्लीमेंटेशन में उसमें दिक्कतें हैं अभी, जो बड़ी जो अपने बड़े OEMs को जो ये लोग सप्लाई करते हैं, सप्लाई करने के बाद जो पैसे का जो टर्म है वो तीसरे का वो तक वो नहीं हो पाता। कहने का मतलब कि दांत तो दे दिए गए लेकिन दिखाने के काटने के उसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत ही सिंपल सा, इसके बाद क्या आपको लगता है इसको थोड़ा सा एक बार फिर से रिविजिट करने की जरूरत है? देखिए, दिस इज इशू विच इज बींग डिबेटेड इन द मिनिस्ट्री। आज जो स्टेट लेवल पर फैसिलिटेशन काउंसिल्स बनाई गई हैं, एज पर MSME एक्ट दे डोंट हैव टीथ। They can give an order that this amount has to be paid, it has to be paid within such and such time, that the interest rate shall be such and such, etc. Lekin agar ye implement nahi hota hai, I don't have under the MSME Act powers. Lekin there are certain state governments which have made their own act and provisions which lay down that jo bhi arrears hain, they may be recovered as arrears of land revenue. There are provisions that, what I am trying to tell is that industry sector mein ye hamesha ek bhagidari hoti hai between center and state. Even today, without amendment of the act, any sensitive state government has the flexibility to recover and issue orders saying that this amount may be recovered as arrears of land revenue. Of course, a lot of efforts are being put into getting the right type of finance for the MSMEs. लेकिन एक बात यह है कि हम जब क्रेडिट रेटिंग की बात करते हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हमने आइडेंटिफाई की है जो आइडेंटिफाइड है कि वो अगर रेटिंग देते हैं तो वो सही है। अगर इनका रेटिंग कोई एक MSME करवाता है तो ये रेटिंग बैंक एक्सेप्ट नहीं करती। अब या तो वो रेटिंग करने वाली जो एजेंसी है उनको गलत पुरवार करते हैं या तो फिर एमएसएमई को गलत पुरवार करते हैं। आई थिंक समथिंग देयर हैज टू बी सम अंडरस्टैंडिंग के एक बार रेटिंग हो जाता है तो फिर बैंक्स को गाइडेंस इस तरह से मिलना चाहिए कि वो फाइनेंस के बारे में बैंक अपने तरह के जो इंटरनल मैकेनिज्म उससे वो फिर से उसके थ्रू जाते पड़ते हैं, डबल वो होता है तो जो रेटिंग कराते हैं उनको ऐसा लगता है कि उसका फिर कोई यूज ही नहीं है। सर, एक क्विक कमेंट अगर आप करना चाहें इस पर। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा जी। पहली चीज तो रेटिंग का सिर्फ फायदा क्रेडिट के लिए नहीं है। रेटिंग का एक फायदा यह भी है कि जब रेटिंग होती है तो आपके यूनिट में और क्या क्या कमियां हैं, कहाँ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ये डिटेल्स भी हमेशा बाहर आते हैं। तो टू सर्टन एक्सटेंट इट इज हेल्पफुल टू द यूनिट इटसेल्फ, दैट इज नंबर वन। सेकंड, एंड RBI गाइडलाइंस ऑल्सो आर कि बैंक को अपना ही डिसीजन लेना है। बैंक कैन यूज क्रेडिट रेटिंग एज एन इनपुट बट आई cannot टेल द बैंक कि अब ये रेटिंग हो गई, दिस इज द एंड ऑफ द मैटर, यू हैव टू गिव लोन एज पर दिस रेटिंग। इट्स नॉट पॉसिबल एंड इट इज प्रोबेबली नॉट द राइट थिंग ऑल्सो टू डू। नाउ वॉट इज डिजायरेबल एंड द डायरेक्शन इन विच वी शुड मूव, दैट इज दिस, दैट मैनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैव एक्चुअली एंटर्ड इन टू MOUs विद बैंक्स वेयर बिकॉज ऑफ दोज MOUs a greater weightage and a greater attention is being paid to the rating by the banks and it is resulting in lower cost of money to such companies. But this is something which we are encouraging. 100% banks have not come into the picture, 100% of the rating agencies have not come into the picture. But the fact remains that rating by itself is something which is useful for the sector, that I think is generally accepted, that it is something which helps everybody.